नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया थाना क्षेत्र के टहरा ग्राम सभा के बैंक मित्र शुक्रवार की दोपहर मिथिलेश रोज की भांति पैसा निकालने बैंक गया था। वहां से कैश कराकर बैंक में रुपए रखकर मोटरसाइकिल से पुनः जनसेवा केंद्र की तरफ आ रहा था। अपने जनसेवा केंद्र के समीप पहुंचा ही था कि लगभग 1 किलोमीटर पहले ही नेपुरा गांव के समीप एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने असलाह सटाकर रुपए से भरा बैग छीनने लगे। मिथिलेश ने भी हिम्मत दिखाते हुए बदमाश के साथ भिड़ गया। इतनी बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति भी अपने पास से असलाह निकालकर मिथिलेश की तरफ तान दिया, जिसे भयभीत होकर बैग को बदमाशों के हवाले करके अपनी जान बचा ली। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत बना हुआ है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि 15 अगस्त के पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम बदमाश दे करके कैसे भाग निकले। बैग छीनने के बाद वहीं से अम्बेडकर नगर की भागने में सफल हो गए। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर तथा अतरौलिया थाना प्रभारी पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। मिथिलेश कुमार, क्या घटना घटी आपसे? सर, मैं 12:25 पे बैंक पे गया था, 1,70,000 रुपये निकाले थे सर। रास्ते में आ रहे थे, दो बदमाश हमें तमंचा दिखाकर मेरे बैग को लात मारकर और मेरा बैग लेकर चले गए। 1,70,000 बैग में था। कुछ पहचान उसके कुछ देख बोलिया कुछ पहचान? पहचान 28-30 साल उम्र होगी। चेहरे से नहीं पहचान पाए? चेहरे से नहीं। लगभग आप कितने बजे बैंक से पैसा निकाले? वही 12:38 हो रहा था। क्या आपने अकेले अपना पैसा निकाला था? अकेले थे। देखिए, बैंक मित्र हैं, ये बैंक मित्र बैंक से पैसा निकाल के 1,70,000 रुपये लेके आ रहे थे। ये भी मोटरसाइकिल से थे, इनको रोका। पीछे दो लड़के एक मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और इनका पैसा छीन के लेके चले गए। अब ये हमारी 2-3 टीमें लगी हुई हैं इसमें। हमें पूरा विश्वास है कि शाम तक हम गिरफ्तार कर लेंगे इन लोगों को। सर, इस तरीके से सुनसान सड़क पे, यहाँ पे बहुत दूर है थाने से सर, इसके लिए सर कोई व्यवस्था सर यहाँ पे? हाँ, ये मैंने बता दिया है, CO हैं यहाँ पे या इस एरिया के SPR हैं, मैंने बता दिया है कि यहाँ पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाई जाए और जो हमारी 112 की गाड़ियाँ हैं वो लगातार मोबाइल कर रहे हैं यहाँ पे।